व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखिए, ये है आज का कार्टून जो कि आप लोगों के सामने है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को दिखा रहा है कि क्या रिजल्ट, जो अभी दिल्ली असेंबली के इलेक्शन हुए थे उसका रिजल्ट अभी आया है। ऊपर यहाँ पर कौन है, ये है मोदी जी और ये है अरविंद केजरीवाल जी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए किस तरह की कंडीशन बनी हुई है। ऊपर जो है गन से निशाना लगाया जा रहा है और यहाँ पर जो है झाड़ू की जो सीख है वो फेंकी जा रही है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो निशाने हैं ये वाले हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि आज जो आर्टिकल है वो कई सारे यहाँ पर इन्हीं के बारे में, तो डिटेल में एक एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आज के में हमारी कंट्री में एक पैटर्न सा देखने को आप लोगों को मिल रहा है कि लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को किस पर्टिकुलर पर्सन को वोट डालनी है और कहां पर सेंटर में किसको वोट डालनी है। तो ये एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं एजुकेटेड वोटर होते जा रहे हैं। तो इसी के बारे में कुछ बातें हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों के सामने है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कि आप लोगों को जाकर देखना है किस राज्य के अंदर है। ये है नानगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिएगा किस राज्य के अंदर है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको रिसेंटली अभी रामसर साइट कन्वेंशन की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ओके, तो आइए आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल काफी शानदार है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत कुछ आप लोग यहां पर जानने को मिलने वाला है। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल और इसी के साथ में ये वाला आर्टिकल, ये तीनों ये चारों आर्टिकल जो है यहाँ पर आज बात कर रहे हैं जो दिल्ली असेंबली के इलेक्शन हुए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए उनके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे और इसी के साथ में जो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर भी हल्का सा नजर डालेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो इंडिया की विजिट पर आने वाले हैं फरवरी के महीने में एंड में, तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन यहाँ पर होने वाली है। पांच साल में जब से हमारी कंट्री में यहाँ पर गवर्नमेंट है, रिसेंटली पांच साल पिछले गए और अभी जो एक साल होने वाला है तब से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ये पहली विजिट है मोदी जी की, जो जब से यहां पर हमारी कंट्री में पावर में है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसी के साथ में लोकपाल हमारी कंट्री में आ गया था 2012 में, पर लेकिन आज तक कहां है लोकपाल, क्या किसी ने उसके बारे में सुना है कि लोकपाल कुछ कर रहा है? तो उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि लोकपाल आखिर एक्चुअल में है क्या, तो उसको डिटेल में समझेंगे और क्या क्या कंडीशन यहां पर बन सकती है और किस तरीके से चीजें आगे चलेंगी, तो उनको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ये यहां पर बात करें इंडिया और जो यूएसए के रिलेशन है उसके बारे में, तो इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। नहीं, एक्चुअली अपोजिट कर दिया, ये वाला इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में है और ये श्रीलंका के रिलेशन के बारे में, ठीक है। यहां पर श्रीलंका के रिलेशन की बात की जा रही है क्योंकि अभी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है और जो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री की विजिट पर थे और रिसेंटली अभी इलेक्शन भी हुए हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बातें की जा रही है। ये है आज का डेटा पॉइंट, ये भी इलेक्शन के बारे में, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे और ये कार्टून है जो मैंने भी आप लोग को दिखाया था। ओके, एक बच्चे ने बोला सर ये क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताते नहीं है, न्यूज पेपर देखेगा। ये बेसिकली जो न्यूज पेपर में आर्टिकल्स आते हैं तो अपने व्यूज यहां पर जो लेक्चर एक तरीके से जो नहीं है जो न्यूज पेपर पढ़ने वाले हैं वो अपना एक तरीके से लेटर सेंड करते हैं, तो वो वहां पर अपने व्यूज शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई आर्टिकल पढ़ा अरविंद केजरीवाल जी वाला, आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई कि हाँ यहां ऐसा होना चाहिए था, तो आप लोग भी अपने व्यूज यहां पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली व्यूज होते हैं जो यहां पर एक तरीके से भेजे जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने वालों के द्वारा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ रही है, जब 2011 में अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चल रहा था और उसके बाद में 2012 में जब यहां पर आम आदमी पार्टी फॉर्म की गई थी तब यहां पर एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी और ये काफी ज्यादा डिस्कशन भी था, इसको हिस्ट्री के साथ में कंपेयर किया जा रहा था। अन्ना हजारे जी को यहां पर महात्मा गांधी जी के साथ में, किरण बेदी जी को यहां पर ये कौन है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में और अरविंद केजरीवाल जी को जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में, तो इन सबको कंपेयर किया जा रहा था, बिल्कुल वही ट्रिनिटी सामने निकल कर आई। अन्ना हजारे जी पॉलिटिक्स से दूर उठ गए, जैसे महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया स्टार्टिंग से, हालांकि बाद में आप देखिए अब तो यहां पर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई है, पर लेकिन स्टार्टिंग में ये भी आउट ऑफ द पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है। और यहां पर कुछ ऐसे फंडा देखने को मिला और अरविंद केजरीवाल जी पावर में आ गए तो ये हो गए जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की तरीके से। आप लोग कितने सहमत है इस ट्रिनिटी से, यस तो वाई लिखिए, नो तो एन आप लोग लिख सकते हैं, और इसके बारे में अगर कुछ और भी व्यूज हो आप लोग तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। आइए अब यहां पर नजर डालते हैं दिल्ली के इलेक्शन के बारे में। दिल्ली में टोटल मिलाकर 70 जो असेंबली की सीट थी, तो 70 में से जो यहां पर 62 यानी कि जो 62 सीट है वो आम आदमी के खाते में गई है। हालांकि इनकी 5 सीट जो है यहां पर ये माइनस हो गई है, लास्ट टाइम जो थी इनकी सीट थी ये 67 थी, अब यहां पर ये 67 में से जो 5 सीट है वो कहां गई है, वो गई है बीजेपी के खाते में। तो टोटल मिलाकर बीजेपी की यहां पर कितनी हो गई है, बीजेपी की 8 सीट हो गई है क्योंकि पहले इनकी ओनली 3 सीट थी। तो पहले ये माना जाता था कि बीजेपी को अगर यहां पर असेंबली में जाते हैं इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो उनको गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं है, अब उनको
उनको उनको ओनली स्कूटर पर या फिर बाइक पर जा सकते हैं, पर चलान कट जाएगा, पर लेकिन अब यहाँ पर गाड़ी में आराम से बैठकर जा सकते हैं। उस टाइम पर काफ़ी कार्टून भी मुझे याद आ रहे थे, बनाए गए थे कई सारे, कि एक तरीके से बीजेपी वाले जो हैं वो इस तरीके से दिखाया जा रहा था कि स्कूटर पर जा रहे हैं पर लेकिन चलान कटेगा क्योंकि ट्रिपलिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें थी, कांग्रेस का और अदर का यहाँ पर कोई खाता भी नहीं खुला है। देखिए ये सारी चीज़ें अपनी जगह होती है कि कौन कौन क्या क्या जीत गया है, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो वोटिंग शेयर है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया आम आदमी पार्टी का, और यहां पर बीजेपी का वोटिंग शेयर यहां पर कम होता हुआ नजर आया है। सीट तो ऊपर नीचे होती रहती है पर लेकिन वोटिंग शेयर काफी ज्यादा मायने यहां पर रखता है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। आप जो है यहां पर अगर बात करें, नहीं आपका हल्का सा कम हुआ है बीजेपी का यहां पर, देखिए इसको समझिए एक बार थोड़ा सा, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है, वो तो वहाँ पर भी बात करूंगा। पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, बिफोर लोकसभा और जब लोकसभा असेंबली के जो पोल साथ में होते हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो बीजेपी का शेयर है, एक तो लोकसभा के इलेक्शन में आप लोगों को पता है शानदार परफॉर्मेंस रही, उसी के साथ में जो राज्य के इलेक्शन हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, तो वो आप लोग समझिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनी। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो वोटिंग शेयर था यहाँ पर वो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला था। ये आप लोग समझिए कि जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो बीजेपी के द्वारा कॉन्टेस्टेड की गई वाली थी अलग अलग राज्य के अंदर में, परसेंटेज ऑफ शेयर इन द असेंबली तो ये था, और जो यहां पर ये जनरल इलेक्शन में था ये था, तो दोनों के बीच में आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। यानी कि असेंबली में, यानी कि जो राज्य के इलेक्शन होते हैं उसमें जो वोट डाली गई वो कम मिली बीजेपी को, पर लेकिन तब वहां पर सेंटर में वोट डाली तो वो ज्यादा मिली मिजोरम को छोड़कर, अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखें तो, ठीक है। लोकसभा असेंबली, तो यहां पर चार राज्य जो है असेंबली के, ये सेम डे हुए जब बीजेपी के द्वारा असेंबली के इलेक्शन यहां पर देखने को मिले, कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा इलेक्शन, तो यहां पर ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर आप लोग यहां पर अब देखेंगे आफ्टर लोकसभा के इलेक्शन के बाद में, जब यहां पर इलेक्शन हुए जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, ये झारखंड हो गया और दिल्ली में, तो यहां पर जो अगर वोटिंग के शेयर में डिफरेंस देखेंगे तो ये एक ह्यूज डिफरेंस यहां पर निकल के आ रहा है। तो यही बात मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बोली थी कि आज की डेट में जो जनता है वो समझ रही है कि क्या डिफरेंस है, यानी कि सेंटर पे किसको वोट देनी है और स्टेट में किसको वोट देनी है, दोनों के जो मैटर है वो आज के डेट में ओवरलैप होते हुए नहीं आ रहे हैं। तो यानी कि वोटर जो है वो एजुकेट होते जा रहे हैं, वो जानते हैं कि सेंटर पे कौन ढंग से काम करेगा और स्टेट लेवल पर कौन ढंग से काम करेगा। जिस तरीके से अभी यहां पर जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके द्वारा सोचा गया था कि कोई भी चीफ का फेस सामने न रखा जाए और दिग्गज नेताओं को सामने उतारा गया, सब वहां पर रैली कर रहे थे, पर लेकिन फिर भी जनता समझ रही थी कि यहां पे काम कौन कर रहा है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर काफी लार्ज स्केल पर सीट जीत कराई, हालांकि हल्का सा मार्जिनली कम हुआ आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 5 कैंडिडेट भी यहाँ पर इनके हाथ से गए हैं, पर लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी शानदार तरीके से जीत कराने वाले हैं। ये लग रहा था कि गठबंधन से गवर्नमेंट बनेगी, सब पता नहीं क्या क्या बातें कि क्या क्या कायस्थ लगा रहे थे, तो वो सारी चीजें जो है वो साइड में यहाँ पर रह गई और ये वोटिंग शेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सेलिब्रेशन है यहाँ पर जो कि आप लोगों के सामने है, और इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इनका फोकस जो रहा वो रहा बेटर हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। इसी के साथ में जो है वो भी बहुत बड़ा रीजन यहां पर देखने को मिला, यानी कि सबको हेल्थ तो मिलनी चाहिए अच्छे वाली और एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। मान लीजिए अच्छी अगर एजुकेशन के बारे में आप लोग बात कर देते हैं, अच्छी एजुकेशन तो है पर लेकिन उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है, पर लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एजुकेशन बिल्कुल एक अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराई, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी। अगर कोचिंग में आप लोग जाना चाहते हैं, एक बिलो तबके की सोसाइटी का आप लोग पार्ट है, तो उसमें एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि पर्टिकुलर के लिए यहां पर एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन दिलाया जाएगा और उसकी फीस जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्टेप आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि कम से कम जो पैसा है वो इंसान को अपनी एस्पिरेशन जो है वो पूरी करने से नहीं रोकेगा और इस तरीके से इंसान जो है जो करना चाहता है लाइफ में वो कर पाएगा। पर लेकिन दूसरी साइड में एक और फंडा निकल कर आया कि जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है कि हाँ देश में ये होगा, नेशनलिज्म होगा और ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस नीचे दबकर रह गई। तो ये एक अच्छा उदाहरण है आने वाले टाइम में, बिल्कुल ये याद दिला रहा है जिस तरीके 2014 में जब यहां पर बीजेपी जीतकर आई थी उस टाइम पर, तो उस टाइम पर भी कुछ ऐसे ही फंडा आप लोगों को देखने को मिला था। मोदी जी का जो पूरा फोकस था वो इंप्लॉयमेंट पर था, इकोनॉमिक ग्रोथ पर था, तो सारे एक प्रोडक्टिव डिस्कशन उस टाइम पर होते हुए नजर आ रहे थे। पर लेकिन अब यहां पर जस्ट 180 डिग्री शिफ्ट है, यहां पर अब ऐसी कोई बात ही नहीं की जाती है इंप्लॉयमेंट के बारे में या फिर कंट्री की इकोनॉमी के बारे में, अब एक अलग ही धुन में चीजें सवार चल रही थी कि हाँ एनआरसी सीए बस उन चीजों पर फोकस है। वो चीज भी इंपॉर्टेंट है, चलिए आप लोगों को लगता है कोई बाहर का हमारी कंट्री में है उनको निकालिए वो समझ में आता है, पर लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसके ऊपर तो फोकस दीजिए। ये तो वही हो गया, एक साइड में एक आदमी मर रहा है पहले उसको बचाएंगे या किसी की उंगली कटी
सीरियस के ऊपर आप लोग पहले उसके ऊपर फोकस देंगे कि उसका ट्रीटमेंट करो, पहले जो मर रहा है उसको बचाइए ना। तो वही कंडीशन है कि इंप्लॉयमेंट नहीं है कंट्री में और बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल लो पर चल रही है और सारे डेटा जो है वो प्रस्तुत किए जाने थे वो डेटा रोके गए। तो वो सारा रिजल्ट जो है वो दिल्ली में जो वोटर हैं वो पढ़े लिखे वोटर हैं वो समझ रहे थे कि क्या सही है और क्या गलत है और उनके द्वारा जो रिलीजन कास्ट इन सब रीजन से ऊपर उठकर जो प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स है उसको एक शानदार तरीके से वोट यहां पर दी गई। ठीक है, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर आप अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट ना कर सपोर्ट करने की बात नहीं है, मैं एक ऐसे चीज को सपोर्ट कर रहा हूं जो खासकर एजुकेशन के ऊपर हमारी कंट्री में पहली बार इतना फोकस दिया गया है और एजुकेशन अगर मेरे हिसाब से सुधरती है ना वो एक बेस है कि कंट्री ये समझिए एक प्रोग्रेसिव पाथ पर होना स्टार्ट हो जाएगी। एजुकेशन में अगर बच्चा एक ढंग से एजुकेटेड हो जाता है तो फिर उसका कोई बेवकूफ नहीं बना पाता है, वो अपने डिसीजन खुद से ले पाएगा क्या सही है क्या गलत है वो समझ पाएगा, उसको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा रीजन के नाम पर, रिलीजन के नाम पर और कास्ट के नाम पर। तो ये एक रीजन है जो भी एजुकेशन ऊपर फोकस देगा तो उसको आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि एजुकेशन ये एक मीडियम है जो पूरी सोसाइटी को इंपावर कर सकता है और वही यहां पर जो आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। तो एक वो रीजन था जो मुझे चीजें अच्छी लग रही थी, हमारी कंट्री में सबसे शानदार तरीके की जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की गई वो दिल्ली कैपिटल में की गई, तो ये जो खर्चा किया गया ये काफी अच्छा है और इसके बाद भी इतनी सारी चीजें फ्री बांटने के बाद भी जो बजट था वो सरप्लस में था। कई सारे लोग बोल रहे हैं फ्री में चीजें देनी चाहिए क्या, बिल्कुल मानता हूं नहीं देनी चाहिए, भैया टैक्स पेयर की मनी है क्यों फ्री में बांटे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर लेकिन अगर टैक्स पेयर की मनी फ्री में बांटने के बाद भी सरप्लस में बजट है तो आप लोग कैसा कहेंगे, मैक्सिमम राज्य के आप लोगों को बजट जो है वो नेगेटिव में नजर आते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर डेफिसिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहां पर सरप्लस में चल रहा है इतना बांटने के बाद भी तो यहां से समझ में आता है कि पैसा जाता कहां पर है। तो वो सारी चीजें भी आप लोग यहां पर अगर आप लोगों को कोई आंसर लिखने के लिए आ जाए तो ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर काउंट कर सकते हैं कि किस तरीके से आज के डेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से होना चाहिए हमारी कंट्री में और इलेक्शन के बारे में अगर कुछ लिखने का है तो एक अच्छा उदाहरण आप लोग दे सकते हैं ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स पर। इससे पहले जो लोग हैं वो कभी जनता से जाकर बात नहीं करते थे, अमित शाह जी भी घर घर पहुंचा दिए यहां पर बात करने के लिए, ठीक है कि हां लोगों से बात कर रहे हैं जाकर, तो ये कंडीशन है तो एक अच्छी पॉलिटिक्स देखने को मिली, तो एक अच्छा एक आप लोग बोल सकते हैं एक अच्छा मुकाबला था यहां पर। ठीक है, आम आदमी पार्टी के द्वारा यहां पर जो एक तरीके से क्लियर चॉइस प्रोवाइड कराएगी कि चीफ मिनिस्टर कौन रहने वाला है, वहां पर कोई ऐसी चॉइस ही नहीं थी दूसरे में, ना बीजेपी में ना ही कांग्रेस में। इसी के साथ में आम आदमी जो पार्टी है वो लॉन्च की गई थी 2012 में, तो 2012 से लेकर जब यहां पर चीजें स्टार्ट की गई तो मोहल्ले मोहल्ले में आकर भी इन्होंने लोगों से बात की थी। ठीक है, उससे पहले क्या होता था ग्राउंड में बड़े बड़े ग्राउंड में रैली की जाती थी और निकल लेते थे, उसके बाद में जनता से कभी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए एजुकेशन के फील्ड में, तो एक रिवोल्यूशनरी स्टेप इनके द्वारा उठाया गया, इतना लार्ज स्केल का बजट दिया गया एजुकेशन को जिसने हिस्ट्री में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा बजट यहां पर दिया जा सकता है। तो ये प्रोडक्टिव रहा, अच्छा रहा मेरे हिसाब से, आने वाले टाइम में चीजों को एक और नजरिया मिलेगा चीजों को देखने का कि किस तरीके से पॉलिटिक्स की जानी है, यानी कि प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, ये यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए कैसा रहा रिजल्ट, आप लोग क्या सोच रहे थे, क्या होना चाहिए था, आप लोग भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये लोकपाल के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर आप लोगों को फैक्ट पता होना चाहिए हमारी कंट्री में आज के डेट में चल क्या रहा है। तो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये वाली पिक्चर जो दिखाई थी, ये वाली पिक्चर यहाँ पर कब की थी, ये वाली पिक्चर जब चीजें हमारी कंट्री में चल रही थी, पर्टिकुलर अगर आप लोग इवेंट को देखेंगे 2011 में पूरी कंट्री जो थी वो सड़कों पर थी, ओनली किसकी वजह से, मेनली जो फोकस था अन्ना हजारे जी, अन्ना हजारे जी एक बुजुर्ग आदमी यहाँ पर आकर लेटे कि हाँ हमारी कंट्री में ये कम से कम करप्शन के केसेस यहाँ पर दूर होने चाहिए। तो उसके बाद में जब 2011 से 2000 हम लोग 19 में आ गए तब जाकर यहां पर पहले जो लोकपाल हैं उनको अपॉइंट किया गया, तो तब से यहां पर चीजें जो हैं सोचा गया कि कुछ अच्छा होगा। पर लेकिन आज भी लगभग 10 महीने पूरे हो चुके हैं अपॉइंटमेंट को लोकपाल के, कोई रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है जिस लोकपाल के लिए जनता सड़कों पर उतरी थी, क्या ये वही लोकपाल है, तो यही सोचने के लिए यहां पर मजबूर कर रहा है। पहले आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ जान लीजिए, लोकपाल होता क्या है, लोकपाल को ओम्बुड्समैन के भी नाम से आप लोग जानते हैं, एक तरीके से करप्शन को कंट्रोल करने वाली ये बॉडी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यहां पर अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो इंप्लॉय है अगर कोई करप्शन करते हैं, फिर गवर्नमेंट भी कोई करप्शन करती है, तो लोकपाल यानी कि जनता का रखवाला यहां पर काम करता है। तो यहां पर राज्य में सेंटर में आप लोग इसको लोकपाल बोलते हैं और स्टेट के अंदर इसको लोकायुक्ता बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो लोकायुक्ता लोकपाल सेंटर और स्टेट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2013 में एक लॉ पास किया गया, यानी कि एक बिल पास किया गया, लॉ बनाया गया, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दिया गया, जिसके चलते जन लोकपाल मूवमेंट से यहां पर ये लॉ निकल के आया 2011 में जो अन्ना हजारे जी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। तो सेंट्रल लेवल पर करप्शन लोकपाल देखेगा, स्टेट लेवल पर लोकायुक्ता देखेगा। अभी यहां पर जो मिनिमम एज है अगर आप लोग चेयरपर्सन और मेंबर बनना चाहते हैं तो 45 साल यहां पर इसकी मिनिमम एज रखी गई है। ठीक है, बाकी जो पीसी घोष है यानी कि पिनाकी चंद्र घोष, ये यहां पर पहले लोकपाल है हमारी कंट्री के जो कि अपॉइंट किए गए फर्स्ट लोकपाल। तो फर्स्ट लोकपाल आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन इसके अलावा ये भी बन जाता है कि कौन इनको अपॉइंट करता है अपॉइंटिंग कमेटी में,
में कौन कौन थे जब पहले लोकपाल को अपॉइंट किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इसी के साथ में लोकसभा स्पीकर थे, तो तीन मेंबर थे। पर लेकिन मेंबर कितने होने चाहिए थे, मेंबर होने चाहिए थे चार। चौथा मेंबर कहां गया, वो था लीडर ऑफ अपोजिशन। तो हमारी कंट्री में लीडर ऑफ अपोजिशन कोई मेनली था ही नहीं अकॉर्डिंग टू अगर लोकपाल के हिसाब से बात करें, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी वोट नहीं मिली कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन लेकर आ सके। मिनिमम 10% वोट यहां पर होनी चाहिए, ठीक है, तो 10% का मतलब लगभग 54 के करीब यहां पर वोट होनी चाहिए, क्योंकि टोटल मिलाकर 543 सीटें हमारी कंट्री में लोकसभा में, ठीक है, तो उसके चलते लगभग 10% यानी कि 54 के करीब यहां पर पोस्ट हमारी कंट्री में होनी चाहिए। पर लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी जिसके पास में इतनी वोट हो, तो लीडर ऑफ अपोजिशन कोई था नहीं। तो ये एक तरीके से इसको ढाल बनाया गया यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारी कंट्री में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर इसकी जो यहां पर लोकपाल की अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन अगर दूसरी साइड में आप लोग जाएंगे, सीबीआई के डायरेक्टर में भी लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए, तो वहां पर उन्होंने उसको डाइल्यूट कर दिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह जो लार्जेस्ट पार्टी है जो अपोजिशन में उसके लीडर को ले लिया जाएगा। पर लेकिन यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। रीजन क्या था, रीजन यह था अगर लोकपाल ढंग से काम करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गर्दन पकड़ी जाएगी। तो यह एक बेसिक फंडा था जो यहां पर सामने निकल कर आया। तो इसके बारे में कुछ और बातें यहां पर जान लेते हैं। 2019 में यहां पर 19 फॉर्म किया गया, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर है, जो चेयरपर्सन बाकी सब आप लोग जानते हैं। देखिए 2019 में यहां पर इनको लोकपाल को बनाया गया, फिर चेयरपर्सन और टोटल मिलाकर 8 मेंबर होते हैं जो आप लोग इसकी बॉडी के बारे में अगर बात करते हैं। तो जो 8 मेंबर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 8 मेंबर में जो 4 मेंबर रहेंगे यानी कि हाफ मेंबर जो रहेंगे वो जुडिशियल मेंबर रहेंगे, जुडिशियल यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या फिर हाई कोर्ट के जज हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे। बाकी का जो मेंबर यहां पर बच गए 4 मेंबर, वो मेंबर यहां पर अलग अलग एक्सपर्टीज के फील्ड के आएंगे, जिस तरीके से फाइनेंस के हो गए या फिर विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, मैनेजमेंट, बैंकिंग, पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके, वो मेंबर यहां पर लाए जाएंगे जिनको इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज है। और इनकी जो एज होनी चाहिए वो 25 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये टोटल मेंबर है जिनको यहां पर एज ए मेंबर बनाया जाएगा। टोटल 8 मेंबर की बॉडी है और एक यहां पर चेयरमैन होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पर होगी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है कि टर्म जो लोकपाल है, जो लोकपाल वर्ड यूज किया जाता है, ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था, तो डॉक्टर एलएम सिंघवी के द्वारा 1963 में पर इसको कॉइन किया गया था। एलएम सिंघवी नाम की एक कमेटी भी है, आप लोगों को शायद याद होगा उसके बारे में। वो कमेटी किससे रिलेटेड है, वो कमेटी ने किस पर्टिकुलर एरिया के लिए सजेशन दिया था हमारी कंट्री में, ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये जो बातें सारी मैंने अभी डिस्कस की हैं, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ये आर्टिकल में नहीं है, ये एक बेसिक आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए अब आर्टिकल के बारे में यहां पर नजर डालते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। 2011 में हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन, जिसको आप लोग लोकपाल बोलते हैं, इसकी बात की गई। अच्छा एक और क्वेश्चन बताइए, ओम्बुड्समैन इंप्लीमेंट करने वाली वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री कौन सी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बारे में जाकर सर्च कीजिएगा तो इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। वैसे पॉलिटी में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई थी ये सारी चीजें, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहां पर जो बात करते हैं, ये बात की जा रही है कि एक तरीके से अगर बात करें, सबसे बड़ी बात यहां पर ये थी कि लोकपाल को अब तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। जब बोला गया था 2014 में जैसे हम लोग पावर में आएंगे हम लोग लोकपाल को इंप्लीमेंट करेंगे और एंटी करप्शन बॉडी निकल कर आएंगे, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। मोर देन 6 ईयर हो गए जब से यहां पर ये पावर में आए, पर लेकिन तब जाकर यहां पर 2014 से लेकर 2019 में यहां पर ये समझिए लोकपाल को यहां पर पावर दी गई, एक तरीके से प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट दी गई। तो सिग्निफिकेंस रोल यहां पर प्ले कर सकता था अब तक, पर लेकिन नहीं हुआ। डिले अपॉइंटमेंट क्यों हुआ वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। बोला जा रहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, जबकि सेम फंडीशन जब आप लोग यहां पर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, सीबीआई के ऊपर, तो वहां पर सीबीआई के डायरेक्टर में इन्होंने आसानी से बोल दिया कि लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी को आप लोग ले सकते हैं। हालांकि बुलाया गया यहां पर अपोजिशन पार्टी का स्पेशल इन्वाइटी की तरीके से बुलाया गया, पर लेकिन ये एक तरीके से बेइज्जती है। एक तो आप लोगों को बोले, आप लोग एक घर में हैं, मान लीजिए घर में रहने वाले हैं, आप लोगों को बोला जाए आप इस घर के मेंबर हैं, दूसरा बोले कि आप लोग इस घर के मेहमान हैं, तो कौन सा आप लोग सुनना ज्यादा पसंद करेंगे, मेंबर या फिर मेहमान? तो मेहमान तो ऐसा होता है कि दो दिन के लिए आ फिर निकल लिया, तो यहां पर इसको एज ए मेहमान के तरीके से बुलाया जा रहा था जो उन्होंने आने से मना कर दिया। तो इसके बाद में फिर आगे आने वाले टाइम में तो जैसे भी अपॉइंटमेंट होगा, पर फिलहाल के लिए जो अपॉइंटमेंट किया गया वो तीन मेंबर के द्वारा किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसी के साथ में स्पीकर और इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर, तो उनके द्वारा यहां पर अपॉइंटमेंट किया गया। लोकपाल जो अपॉइंटमेंट किया गया ये 2019 में मार्च के महीने में अपॉइंटमेंट किया गया, और वो भी तब अपॉइंटमेंट किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भैया अपॉइंटमेंट कर रहे हो या मैं कर दूं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला या तो अपॉइंटमेंट कर दो वरना मैं आ रहा हूं अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो जब दिखने लगा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आ ही गया है नीचे उतरकर अपनी गद्दी से कि हां भैया हम अपॉइंटमेंट करेंगे तुमसे ना हो पाएगा, तब जाकर यहां पर इन्होंने बोला कि भैया करते हैं कुछ जुगाड़ पानी, ठीक है। तो फिर तब इन्होंने ये पूरा दुनियादारी स्टार्ट करी और उसके बाद में यहां पर ये पावर में आए।
यहां पर लोकपाल बनाया गया। तो ये लोकपाल बनाए जाने के बाद भी आज तक भी क्या आप लोगों ने सुना है कि लोकपाल ने बहुत बड़ा काम कर दिया पिछले 6 महीने, पिछले 10 महीने में। तो देखिए पावर में तो आ गया, पर लेकिन एक तरीके से पावर में आने के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नहीं देखने को मिली है। 10 महीने बीत चुके हैं टिल डेट, आज तक अगर आप लोग देखेंगे जब से यहां पर इसको, पर अब तक ये भी नहीं बनाया गया जो फॉर्म भरा जाता है फिल करने के लिए, कंप्लेन होती है तो उसका फॉर्मेट भी अब तक तैयार नहीं किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई यहां पर जो प्रॉपर जो रूल और गाइडलाइन तैयार करने में, ताकि जिस तरीके जो पब्लिक सर्वेंट है उनके पास में कितनी मनी है उसको भी यहां पर बोला गया था कि वो भी अपनी मनी को डिस्क्लोज करेगा, पर लेकिन इसको भी अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। सर पब्लिक सर्वेंट अगर डिस्क्लोज करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में ये समझिए जो एक पॉलिटिशियन है उस पॉलिटिशियन के नीचे बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब उनकी जो सैलरी अगर डिस्क्लोज होगी तो फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से करप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन यह है कि क्योंकि जो भी यहां पर जुड़े होते हैं खासकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रहती है तो वो यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अकेले पॉलिटिशियन कभी करप्शन नहीं कर पाएंगे, वो किसी ने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के साथ में मिलकर काम करेंगे तो ही करप्शन कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि कभी भी किसी पोस्ट पर जाकर बैठे तो यही बस एक चीज है जो आप लोग बहुत अच्छे लेवल पर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं कि कम से कम जनता के लिए काम करें, कभी भी एक तरीके से करप्शन का पार्ट बनने की कोशिश न करें, भले ही आप लोग कितने भी ट्रांसफर क्यों ना हो जाए, पर लेकिन ये चीज आप लोगों के माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। और आज आप लोगों का फॉर्म भी आ जाएगा अगर डेट के हिसाब से काम चलती तो फॉर्म भी आप लोग भरिएगा अच्छे से और स्टार्टिंग में ही फिल कर लीजिएगा फॉर्म, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ये पड़ जाती है कि फिर आप लोगों को जो मनचाहा सेंटर वो नहीं मिल पाता है, जैसे मैंने ईपीएफओ के बारे में बताया था, ठीक है, जो कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्जाम अभी ये आप लोगों का अक्टूबर में होगा 4 अक्टूबर को। तो देखिए प्रीलिम्स के साथ साथ में इसकी भी तैयारी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जैसा यूपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट कराती है उसी पैटर्न पर ये एग्जाम आप लोगों का देखने को मिलता है, हल्की सी आप लोगों को एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, ठीक है। और आवाज थोड़ी सी वैसी लग रही होगी क्योंकि ये नजला हो रखा है, नाक में से सांस नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए गर्म पानी पिया 2-3 बार फिर भी चलिए कोई नहीं, खुल नहीं रहा है। चलिए जो भी है, तो बात ये की जा रही है कि आप लोग उसको भी साथ में तैयार करके चल सकते हैं और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरीके से आप लोगों को लेना है, यानी कि प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए अच्छे से, आप लोगों की ईपीएफओ की भी तैयारी साथ साथ में होती रहेगी, फिर जैसे ही प्रीलिम्स अगर होता है आप लोगों का अच्छा, तो अगर अच्छा होता है तो फिर मेंस की तैयारी लग जाइए, और अगर अच्छा नहीं होता है तो फिर आप लोग जो ईपीएफओ की तैयारी में आप लोग लग जाइए, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फोकस देकर आप लोग जरूर चलिएगा। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है कि अब तक ना तो इंक्वायरी विंग इसकी बनाई गई है और ना ही इसकी किसी के साथ में यहां पर प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर, यानी कि देखिए अगर मान लीजिए कोई डायरेक्टर होगा तो उसकी एक टीम होगी जो इंक्वायरी करेगी प्रोसिक्यूशन के मैटर में करेगी, ना तो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए इंक्वायरी के ना ही प्रोसिक्यूशन के और ना ही अब तक इनकी टीम बनाई गई है। तो ये इस लेवल पर चीजें चल रही हैं, तो एक एक तरीके से एक्सपेक्टेशन पे फेलियर उतरा है लोकपाल पर, फेल होने का इसका पीछे लोकपाल की गलती नहीं है आप, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है क्योंकि उन्होंने अब तक ढंग से इसके ऊपर काम ही नहीं किया है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा आर्टिकल था। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बात करने से पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है इंडिया और श्रीलंका जो क्लोज टाई तो शेयर करते हैं, पर लेकिन आज की डेट में भी दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट, यानी कि एक तरीके से विश्वास नहीं है और कई सारे डिफरेंस यानी कि मतभेद बने हुए हैं, तो इस तरीके से इसके ऊपर आप लोग यहां पर कमेंट करना है आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो कि लगभग देखिए 200 से 250 वर्ड में लिखने की कोशिश किया कीजिए और उसके हिसाब से आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतना ही आप लोगों को लिखना है, एक अच्छा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, कहने का मतलब यहां पर यह है। और यह भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर फेसबुक पर भी आप लोग लिख सकते हैं। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर टेलीग्राम का ग्रुप बना दो, यार अभी फेसबुक ही समझ नहीं पा रहा ढंग से, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर वहां पर पता नहीं क्या क्या चलने लगेगा। आप लोगों को पता है अब तक लगभग 3000 के करीब पोस्ट ऐसी हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और वो पता है कैसी है, उनमें अश्लील तरीके के प्रमोशन है, दुनिया भर की उल्टे सीधे लिंक वहां पर डाल रखे हैं, कुछ मोटिवेशन कोड भी है जो मैं अलग अलग निकाल के वहां पर पेज पर और प्रोफाइल पर शेयर करता हूं, और वीडियोज भी है कुछ अच्छी भी है, पर लेकिन मैक्सिमम चीजें उसमें ऐसी गंदे गंदे प्रमोशन है, कोई उल्टे सीधे कैसे प्रमोशन कर रहा है, पता नहीं कैसी कैसी वीडियो डाल रहा है। अगर उस पर खोलूंगा उसको तो पूरे दिन मैं इसी में रह जाऊंगा बस डिलीट करने में, क्योंकि वहां पर तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों के ऊपर कोई बार लगा सकूं, वहां पर अप्रूवल का कोई फंडा ही नहीं है टेलीग्राम में, तो इसीलिए जो वहां पर कंडीशन होगी वो टेलीग्राम में मुझे फिर पूरे दिन उसके ऊपर बैठना पड़ेगा और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, समझ रहे ना आप लोग रीजन क्या है टेलीग्राम का ग्रुप नहीं बनाने का। तो ये बेसिक रीजन है जिसके चलते यहां पर टेलीग्राम का ग्रुप नहीं बना रहा हूं, वरना कोई दिक्कत नहीं है मुझे ग्रुप बनाने में, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जरा सी भी, पर लेकिन दिक्कत यही है फिर वहां पर उसको मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए 24 घंटे एक आदमी चाहिएगा उसको देखने के लिए वहां पर कुछ गंदी चीजें तो नहीं आ रही है, पता चला वहां पर कोई
कुछ कुछ उल्टी सीधी अश्लील चीजें पोस्ट कर दी वहां पर, लड़कियां भी बहुत सारी होती हैं वहां पर बहुत सारी, फिर क्या क्या माहौल बनेगा वहां पर? तो एक पढ़ाई का माहौल वहां पर नहीं रहेगा उस तरीके से अगर उसको कंप्लीटली ओपन करके चलूंगा। फिर कोई ना कोई मैनेजर वहां पर होना चाहिए जो उसको मैनेज करके चल सके, ठीक है, तो वो फंडा निकल के आता है। तो इसलिए मैंने फेसबुक पर ही ग्रुप बना रखा है और ओनली एक ही ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, बाकी कई सारे और भी उल्टे सीधे ग्रुप है। तो यहां पर आपकी फैमिली का ओनली इकलौता ग्रुप है, ठीक है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर सब बच्चे अच्छे से आंसर कर रहे हैं, ठीक है, और कई सारे बच्चे प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पोस्ट कर रहे हैं, वो भी आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए। आइए इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। इंडिया हो गया और यहां पर श्रीलंका हो गया, तो यहां पर अगर तमिलियन कम्युनिटी के बारे में बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा तमिलियन कम्युनिटी को नॉर्थन श्रीलंका में ले जाया गया प्लांटेशन के लिए, खासकर खेती करने के लिए, ठीक है। आजकल बात करें अगर हम लोग श्रीलंका के बारे में, तो यहां पर कोलंबो और इसी के साथ में जयवर्धनापुरे कोट्टे, तो यहां पर ये इसकी दो कैपिटल है। इसकी जो रूपी है, जो करेंसी है, वो श्रीलंकन रूपी है और साउथ एशियन की यहां पर ये एक कंट्री है, इंडियन ओशन में आप लोगों को ये कंट्री देखने को मिल जाती है, ठीक है, और यहां पर इसका फ्लैग हो गया। अभी कंडीशन क्या बनी है? कंडीशन ये बनी है अभी दो नए लीडर चुनकर आए, एक तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए महिंद राजपक्षे और यहां पर ये और यहां पर प्रेसिडेंट बन गए गोटबिया राजपक्षे। इससे पहले यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे यहां पर रनिल विक्रमसिंघे और महिंद यहां पर मैत्रीपाला सिरिसेना, ये थे यहां पर प्रेसिडेंट। तो अब यहां पर ये पिक्चर से आउट हो गए हैं और ये पावर में आ गए हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये दोनों भाई हैं यहां पर, और इससे पहले ये प्रेसिडेंट थे जो कि आज के दिन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और यहां पर ये बन गए हैं प्रेसिडेंट। तो ये है पूरा एक तरीके से खाका श्रीलंका के इलेक्शन का जो अभी इलेक्शन हुए हैं यहां पर। ये इलेक्शन में अब ये पावर में आए हैं और इससे पहले जब ये पावर में थे ये यहां पर मैक्सिमम जो इनका फोकस रहता था वो रहता था चाइना की तरफ को, पर लेकिन अब देखते हैं क्या कंडीशन निकल के आती है, उसी के बारे में एनालिसिस हम लोग को यहां पर करना है। दिल्ली की पहली विजिट यहां पर देखने को मिली प्रेसिडेंट जो गोटबिया राजपक्षे और मैत्रीपाला सिरिसेना, जो यहां पर प्रेसिडेंट गोटबिया राजपक्षे और महिंद राजपक्षे, यानी कि दोनों भाई की जो पहली विजिट हुई वो इंडिया में हुई। तो स्टार्ट तो यहां पर इंडिया से की गई है, तो इंडिया से स्टार्ट की गई, अच्छी बात है यहां पर लेकिन जो कंडीशन 2015 से पहले थी वो अब चेंज होती नजर आ रही है, क्योंकि गोटबिया जो राजपक्षे यहां पर अभी जो प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं ये फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं और जो एलटीटीए वाली वॉर चल रही थी उनमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा सप्रेस करने में, तो इसलिए इनको अलग तरीके से देखा जा रहा था कि यहां पर ये सही इंसान नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ये भी कई बार बातें बोली जा रही थी। पर लेकिन अब जो है डेवलपमेंट के कई सारे प्रोग्राम यहां पर चलाए जा रहे हैं, इसी के साथ में इंडिया और जापान मिलकर काम कर रहे हैं ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो में, यानी कि अच्छे अच्छे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट यहां पर इंडिया और जापान के साथ मिलकर यहां पर काम किया जाएगा। तो देखते हैं किस हद तक यहां पर चीजें हो पाती हैं। महेंद्र राजपक्षे के द्वारा डिस्कस किया गया 400 मिलियन जो लाइन ऑफ क्रेडिट था जो असिस्टेंस के लिए नेशनल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड यहां पर कराया गया था, यानी कि जब से यहां पर एलटीटीए की वॉर हुई तब से यहां पर एक गृहयुद्ध आप लोग उसको बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग लापता हैं, उनका पता नहीं है कौन कहां पर है, तो उसको यहां पर ढंग से सेटल करने की कोशिश की गई, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। एयर कनेक्टिविटी की बात की जा रही है यहां पर कई सारे रीजन में, जैसे कि जाफना हो गया, ये सारा रीजन क्या है, ये एयर कनेक्टिविटी की बात की जा रही है क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं यहाँ पर श्रीलंकन रहते हैं और हमारी कंट्री में तमिलियन रहते हैं और हमारी कंट्री का जो तमिलनाडु वाला एरिया है उसके साथ में इनके कई सारे रिलेशन है, इनके चाचा ताऊ भाई भतीजे यहाँ पर रहते हैं, तो इस तरीके से अगर फ्लाइट डायरेक्ट रहती है तो आसानी से यहाँ पर ये अपनी कैपिटल से पहले इंडिया पहुंच जाएंगे, इतना अच्छा यहाँ पर इनके लिए हो जाएगा, तो उसके लिए इंडिया काफी सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पर करा रहा है। और दूसरी जो कनेक्टिविटी का एरिया है यहाँ पर ये है बटिकलोआ, ठीक है, तो ये है यहाँ पर और जाफना वाले रीजन को कनेक्ट करने की बात यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। आगे अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर महेंद्र राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उनके बीच में डिस्कस किया गया इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी कि कल को अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें होती है तो एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करेंगे, ट्रेनिंग की जाएगी, और इसी के साथ में जो यहाँ पर 50 मिलियन यानी कि जो 50 मिलियन का जो क्रेडिट एक्सटेंड किया गया था इंडिया के द्वारा श्रीलंका को उसको भी यहाँ पर यूज करने की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि ये वो क्रेडिट था जब यहाँ पर संडे यहां पर ईस्टर संडे में जो बॉम्बिंग हुई थी बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी उस टाइम पर ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली थी। इसी के साथ में इंडिया श्रीलंका और मालदीव जो है वो मिलकर काम करने वाले हैं, एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप यहां पर बनाने वाले हैं जो कि एंटी टेरर और सिक्योरिटी टॉक के बारे में बात करेगा और मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्र की सुरक्षा के बारे में भी यहां पर बात करेगा। फाइनली जो राजपक्षे हैं वो श्रीलंका के खास करके साथ में फ्रेंडशिप वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये बिलीफ है कि श्रीलंका और इंडिया मिलकर काम कर सकते हैं, बहुत सारे रिलेटिव हिस्टोरिक कल्चर दोनों के आपस में मिलती है, दोनों अंग्रेजों के गुलाम रहे काफी लंबे समय तक, तो वो भी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी यहाँ पर जो श्रीलंका से एक गुहार लगाई जा रही है कि वो इक्वलिटी जस्टिस पीस और रेस्पेक्ट की बात करें जो तमिलियन कम्युनिटी है, और उसी के चलते 13 अमेंडमेंट यहाँ पर पावर में आया था, पर लेकिन 13 अमेंडमेंट को आगे किस तरीके से लेकर चला जाएगा उसके
इसके बारे में अभी राजपक्षे के द्वारा कोई कमेंट यहां पर नहीं किया गया है, क्योंकि सिन्हाला जो श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी कम्युनिटी है वो यहां पर इससे चिढ़ती है, क्योंकि उसके चलते 13 अमेंडमेंट के चलते यहां पर जो सिन्हाला लैंग्वेज और जो तमिलियन लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की जाती है। तो इसके चलते यहां पर जो तमिलियन जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो चिढ़ रही है कि बाहर के लोगों को यहां पर किस तरीके से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात देखें कहीं ना कहीं अगर स्पेशल स्टेटस की बात करें नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आर्टिकल 371 के तहत, पर लेकिन अगर बात करें आर्टिकल 370 अभी आप लोगों की पॉलिटी की भी जो सीरीज है वो आप लोगों के दो लेक्चर हो चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर भी आप लोगों का ये जल्दी आने वाला है, आज नहीं कल आप लोगों को लेक्चर मिलेगा पॉलिटी का, ठीक है। तो याद रखिए कल आप लोगों का पॉलिटी का एक लेक्चर भी आएगा, तो उसको भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं और बाकी की जो चीजें आप लोगों की है वो भी कवर करूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं अपने घर गया होता तो वहां से वापसी आया था अभी, तो उसी के चलते थोड़ा घर पे जब रहता हूं तो देखे यार एक तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी आपकी वीडियो जो थी वो टाइम पर पहुंचती रही, और थोड़ा सा जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है कि देखिए एक माहौल रहता है, ठीक है, तो आदमी घर पे जाता है थोड़ा सा सुस्त हो जाता है थोड़ा सा घूमता है फिरता है, तो इन सब चीज़ें थोड़ा सा दूर हटता है तो माइंड एक अलग डायरेक्शन में पहुंचता है, तो हल्का सा वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो अब जो है चीज़ें प्रॉपर पैटर्न में है, और आज आप लोग का जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में फिर प्रॉपर लेकर आप लोग डिस्कशन करेंगे, और प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा चेंज जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इस वीडियो के अंदर भी नजर आएगा, वो क्या होगा वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा, पहले आप लोग नोटिफिकेशन की वीडियो आएगी उसको देखिएगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या क्या पोस्ट है और किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से फॉर्म वगैरह फिल करना है जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। आइए आगे चलते हैं। तो यहां पर जो बात की गई है जम्मू कश्मीर में हम लोग आर्टिकल 371 के बारे में बात कर रहे थे, तो वो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल स्टेट है, पर लेकिन एक साइड में हटा दिया गया है, तो इसलिए प्रोटेस्ट होता है कि जब हम लोग अपनी कंट्री में ऐसा मतभेद कर रहे हैं तो फिर श्रीलंका में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो वो भी एक सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये है यहां पर अगर बात करें राजपक्षे जी के बारे में, तो इनके जो पहले थे जो रानिल विक्रम सिंघे के बारे में मैंने बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे प्रोजेक्ट की बात की गई थी, जैसे यहां पर मटला एयरपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, ये एयरपोर्ट अभी यहां पर डिस्कस किया ही नहीं जा रहा है, यानी कि पहले लोगों के द्वारा जो यहां पर डिस्कशन किया गया उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मतभेद देखते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ में जो 60 बिलियन का जो इनके ऊपर डेट है, डेट होती है उधारी, और ये डेट ऐसा होता है डेट क्राइसिस जब बोलते हैं कि इतना ज्यादा उधार ले लो आप लोग कि आप लोग अगर इंटरेस्ट पेमेंट करने बैठो तो उसके लिए भी आप लोग उधारी लेनी पड़े, तो ये लगभग 5 बिलियन जो है रीपेमेंट यहां पर जो करने के लिए बोला जा रहा है इसका जो यहां पर निकल के आता है, तो इंडिया को बोला गया कि इंडिया इसमें हेल्प करे श्रीलंका की। तो यहां पर ये बोला गया कि जैसे हम्बनटोटा एयरपोर्ट जब यहां पर जो हम्बनटोटा जो पोर्ट डेवलप करने के लिए इंडिया को दिया जाना था पर इंडिया ने मना कर दिया तो उन्होंने चाइना को सौंप दिया। अब यहां पर अगर इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग करेंगे तो हो सकता है कल को फिर से चाइना को रिक्वेस्ट करें और फिर से एक गैप यहां पर आ जाए, तो बायलेटरल रिलेशन और ज्यादा यहां पर बिगड़ सकते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में फिर से, क्योंकि सबसे पहले जब आपको बोल रहे हैं वो काम करने के लिए और आप लोग काम नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी और के पास ही जाएंगे ना, तो ये चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो एक अच्छा पॉइंट है, अच्छे से आप लोग इनको टैकल करके चलिए, वरना फिर प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी और फिर सॉल्यूशन क्या होगा वो आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में है, और आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना फरवरी में ना इंडिया में आने वाले हैं, ठीक है जब बुलाया था 26 जनवरी में तब तो आए नहीं भाई साहब, अब आ रहे हो, चलिए कोई नहीं आगे चलते बात यह की जा रही है कि जब यहां पर ये इंडिया में आएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो एक अलग ही मेमोरेबल यहां पर एक मूवमेंट होगा, क्योंकि कई तौर पर इंडिया में और यहां कई तौर पर जो यूएसए और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है आपस में मिल चुके हैं, जैसे हाउडी जो ट्रंप रैली हुई थी यहां पर तो आप लोगों ने देखी कई तरीके से कई ओकेजन पर दोनों गले मिले शानदार तरीके से, जिसको बियर हगिंग बोली जा रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। पर लेकिन अभी यहां पर जो सामने निकल कर आएगी वो फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री की विजिट पर आ रहा है, तो एक अलग ही माहौल यहां पर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट और सबसे बड़ी बात पर क्या है इंडिया में आने का, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के महीने में और बहुत बड़ा हमारा डायस्पोरा है जो यूएसए के अंदर में है, तो वो इनको सपोर्ट करे, कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट एवर ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें दोनों लीडर के बीच में, जो हिस्टोरिकली यहां पर चीजें देखने को मिली उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि इंडिया और यूएसए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी देखने को मिले। दो लीडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट एवर ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर आएगा इंडिया और यूएसए के बीच में। रिस्टोर किया जाएगा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये क्या होता है जीएसपी जिसको आप लोग बोलते हैं, अगर हमारा सामान यूएसए में बेचा जाता है ले जाकर तो उसके ऊपर टैक्स टैरिफ वगैरह नहीं लगाया जाएगा, उसको छूट दे दी जाती है, पर लेकिन अभी इस प्रेफरेंस से हमको हटा दिया गया यूएसए के द्वारा। और इसी के साथ में जो मेडिकल डिवाइस है उसके प्राइसिंग की बात की जाती है, कई सारी ऐसी जैसे स्टेंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है एक छोटी सी एक हल्का सा वार्सल टाइप का एक छोटा सा
लोहे का सामान होता है जो कि बॉडी में डाला जाता है बाईपास करने के लिए ब्लड को, जब यहां पर क्लोटिंग हो जाती है कई बार जब अटैक वगैरह आते हैं, तो वो काफी सस्ती कर दी गई इंडिया के द्वारा, जबकि यूएसए के द्वारा वो बेची जाती है, तो उसके चलते वो काफी चिढ़ रहे थे। एग्रीकल्चर जो ट्रेड है वो यहां पर हमारी कंट्री में उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बंद रखते हैं बाहर की कंट्री से सामान न आए, क्योंकि हमारी कंट्री किसानों को फायदा हो सके, तो वो सारी बातें भी यहां पर देखने को मिलती है। तो उन्हीं के बारे में यहां पर पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है कि ये सारे पॉइंट है जो कि बोन ऑफ कंटेंशन इंडिया और यूएसए के बीच में बने हुए हैं, तो इसको फोकस कर चला जाएगा। पर लेकिन जो ये बात की है छोटी सी है, अभी जो बात ज्यादा फोकस होगा वो होगा यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। आइसबर्ग की टिप बोला गया है, जैसे आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है, किस किस ने देखी है, यस और नो, देखी नहीं है तो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। तो टाइटैनिक मूवी में क्या रहता है कि जो समुद्र जो यहां पर बर्फ का एक छोटा सा पोर्शन ऊपर दिख रहा होता है और पूछा नीचे पूरा एक पर्वत रहता है, तो वो आइसबर्ग जो तैरता रहता है बर्फ पानी में, तो उससे जाकर वहां पर टाइटैनिक टकराता है और फिर डूब जाता है, और उसको बोला जाता था अनसिंकेबल जो शिप, यानी कि वो डूबेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ये बोला जाता था, पर लेकिन डूब गया। तो वही कंडीशन है यहां पर कि जो यहां पर अभी आप लोगों को पोलम दिख रही है छोटी है, और नीचे बहुत सारी पोलम और आप लोगों को नजर आएंगे, तो उसके चलते आप लोगों को आगे चलना है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं यूएसए वाले और जेनेरिक दवाई बना लेते हैं हम, तो उसके चलते यूएसए वाले काफी चिढ़ते हैं कि मेहनत करें हम और फल खाओ तुम। डिजिटल ट्रेड के बारे में बात की जाती है, जैसे अभी हुआई कंपनी है चाइना की, इंडिया को बोला गया यूएसए के द्वारा उसको अलाउ मत करना, पर इंडिया ने अलाउ कर दिया। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जा रही है, ये कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर काम की जा सकती है, और इसी के साथ में स्किल्ड प्रोफेशनल जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए वो भी एक काफी बड़ा एरिया रहता है। आप लोग जानते हैं यूएसए में कई सारे लोग जाकर जॉब करना चाहते हैं, पर लेकिन वहां पर कई सारे ऐसे एग्रीमेंट हैं जो खासकर वो अलाउ करते हैं, तो हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल को अलाउ करते हैं, इस तरीके से नॉर्मल वहां पर लोग नहीं जा सकते, खासकर जॉब वगैरह करने के लिए, घूमने के लिए तो जा सकते हैं। तो यही सब बातें हैं यहां पर जिसके ऊपर फोकस दिया जाना है। तो इसी के साथ में आईपीआर वाला रीजन हो गया, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को मोटे मोटे तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, जैसे ये लेक्चर हो गया आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूं, पर लेकिन कोई दूसरा इंसान क्या करे, इस लेक्चर को ले जाकर किसी और YouTube चैनल पर डाले और वहां पर बेचने लगे इसको, ठीक है, पैसा कमाने लगे, ठीक है, एक तरीके से डाल भी दे, वो भी एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन है, मैं उसको एकदम हटा सकता हूं। और कई सारे बच्चों के तरह से मेल भी किया गया था कि पॉलिटिकल लेक्चर जो है वो अलग अलग चैनल पर अपलोड किए गए हैं, ठीक है, तो देखिए पता है मुझे कि हां अलग अलग चैनल पर अपलोड किए गए, कोई बात नहीं है, मुझे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी इसको अपलोड कर सकते हैं लेक्चर को अगर चाहे तो डाउनलोड करके, बस आप लोगों को यह करना है कि लेक्चर के साथ में कोई छेड़खानी न करें, ठीक है, यानी कई बार क्या करते हैं लेक्चर को उसको काट पीट देते हैं, लिंक डला हुआ है जैसे यहां पर इसको काट पीट दिया, यहां से हटा दिया, कई जगह से उल्टी सीधी जो उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, यानी कि लेक्चर का सत्यानाश कर देते हैं, अपना एक तरीके से अलग तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं, चोरी भी की जा रही है ऊपर से, और ऊपर से उसको छिपाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि पता भी ना चले। तो वीडियो आप लोग अपलोड कर सकते हो, पर लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि लेक्चर के साथ में कोई छेड़खानी न की जाए, ठीक है, वो सबसे बुरी बात मुझे लगती है कि लेक्चर के साथ में उसको काट पीट देते हैं, बिल्कुल उल्टा सीधा कर देते हैं, बहुत कंडीशन की जाती है, कई बार ऐसा देखने को मिला, तो वो कीजिएगा अगर चाहे तो आप लोग, बस वही है पॉलिटिकल लेक्चर जैसे सारे अपलोड कर रखे हैं बहुत सारे चैनल पर मैंने देखे हैं, छोटे छोटे चैनल हैं कई सारे, कोई नहीं, कम से कम एजुकेशन दूसरों तक पहुंच रही है, अच्छी बात हुआ है, ठीक है, कोई भी देखे यहां देखे वहां देखे, पर लेकिन अच्छी बात यह है कि एजुकेशन लोगों तक पहुंच रही है। ओके, आगे चलते हैं, यहां पर क्या था आगे यहां पर बात की जा रही है कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनाई जा सकती है और ज्यादा लार्ज स्केल पर रेगुलेट किया जा सकता है चीजों को, तो वो सारी बातें हैं यहां पर, तो उसको भी ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए और जो भी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल जाए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारी कंट्री में मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं, वहां पर ट्रंप गवर्नमेंट नहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड सही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए होती है, मोदी गवर्नमेंट जो वर्ड यूज किया है वो गलत वर्ड है क्योंकि वो एक पार्टी है, गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट है वहां पर, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ मोदी होता है, ठीक है, तो ये टर्म है, हालांकि इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और सबको यू रहता है तो हम भी यूज करते हैं, जिससे न्यूज़पेपर में भी कई बार आ जाता है लिखा हुआ, तो यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लिखा मिलेगा यूएसए में जब भी आप लोग जाओगे, ठीक है। यहां पर बात करें तो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में बात की जा रही है, तो इंडिया जो यूएसए के द्वारा होल्ड पर रख दी गई है कई सारी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इंडिया के द्वारा भी फिर से नेगोशिएट इनको किया जा रहा है। ये वो ट्रीटी है जैसे मान लीजिए इंडिया और जापान आपस में रिलेशन की बात करते हैं, तो यहां पर जो ट्रीटी होती है, मान लीजिए जापान का कोई इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आ रहा है काम करने के लिए, तो अगर कल को डिस्प्यूट होता है उसका हमारी कंट्री में, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो वो सारी बातें यहां पर बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में की जाती है। तो अगर ये कैंसिल हो जाती है तो इसका मतलब सिक्योरिटी खत्म हो गई अगर बाहर का कोई लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, तो इसके चलते क्या रहेगा, हमारी कंट्री के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से वो काम करेंगे। तो इसी के चलते न्यू अप्रोच लाने की बात की जा रही है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में, और उसी को इंप्लीमेंट यहां पर करने की भी बात की जा रही है, ठीक है। तो रिव्यू
रिव्यू किया जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे आगे लेकर चल सकते हैं। जैसे यूएसए मेक्सिको और कनाडा का एग्रीमेंट था, उसमें इन्होंने क्या किया जो यहां पर इसको साइड में रख दिया गया, क्योंकि बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट ट्रीटी की वजह से कई बार एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाते हैं, तो इन्होंने ये डिस्प्यूट जो सेटलमेंट मैकेनिज्म थी उसको अभी साइड में रख दिया गया। और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इंडिया नेगोशिएट कर रहा है, तो वहां पर भी जो स्टेट डिस्प्यूट और जो इन्वेस्टर, यानी कि अगर हमारी कंट्री को इन्वेस्टर वहां पर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, उसको साइड में रख दिया गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर कोई यहां पर लड़ाई किसी की हो रही है तो उसको वहां पर कंट्री के कोर्ट के हिसाब से उसको टैगल किया जाएगा या फिर इंटरनेशनल कोर्ट के हिसाब से टैगल किया जाएगा। कई बार क्या होता है डिस्प्यूट होता है तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा दिया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उस एरिया का कोई पार्ट है। तो इस तरीके से क्या होता है इंटरनेशनलाइज हो जाता है वो इशू। तो लोग ये चाहते हैं अगर हमारी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो वो हमारी कंट्री के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। तो यूएसए और इंडिया जो है वो मिलकर काम करेंगे, और इसी के साथ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ ये सही है ये गलत है, और एक ढंग की अप्रोच लेकर यहां पर चलनी है। तो उसी के बाद में यहां पर देखते हैं किस तरीके से मैटर को सुलझाया जाएगा जो फ्री ट्रेड बायलैटरल एग्रीमेंट है उसको। तो काफी कुछ है करने के लिए, पर लेकिन क्या क्या यहां पर किया जाएगा तो वो भी आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था यहां पर कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये आप लोगों के सामने है मेम बेस्ड क्वेश्चन, जो कि यहां पर पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी के बारे में बात की थी। तो ये है यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। जो पार्वती जो आगरा, ये जो आगरा पढ़ रहा हूं मैं इसको कल से ये आगरा है, ठीक है, सॉरी सॉरी कल भी बच्चों के द्वारा बोला गया था, ठीक है, कई बार करता हूं मैं ऐसी हरकतें, सॉरी यार, ये अर्घ है, ठीक है जल्दी जल्दी मैं कई बार ऐसे करता हूं, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ता हूं चीजें, पर हाँ चीजें ही है मेरा। देखिए पूरा फोकस ना वर्डिंग पे मेरा कम फोकस रहता है, कई बार मेरा ना समझाने के ऊपर फोकस रहता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, वर्डिंग तो आप लोग पर लेकिन गलत है ये, ठीक है, सॉरी यार सॉरी। तो यहां पर जो बात की जा रही है 23 मई, तो ये 23 मई 1990 में यहाँ पर ये पावर में ये पिक्चर में आया था एक तरीके से, और सरायू जो रिवर है वो इसका पार्ट हुआ करता था एक टाइम पर, यानी कि ये सरायू रिवर के साथ में कनेक्टेड था। इसी के साथ में यहाँ पर जो पार्वती है और जो अर्घा है, यहाँ पर ये लेक है जिसके नाम पर इसका बर्ड सेंचुरी का नाम रखा गया है, जिसको रामसर साइट कन्वेंशन के कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है ऐसी ऐसी कोई गलत होती है नीचे बताया करो कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके आने वाले टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है आप लोगों के सामने क्विज है, लोकपाल टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था फर्स्ट टाइम 1963 में, जो अभी रिसेंटली नए लोग हमारे जो चेयरपर्सन लोकपाल के फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया वो कौन है ये आप लोगों को बताना है। कमिटी में कौन कौन थे जिनके द्वारा फर्स्ट लोकपाल को अपॉइंट किया गया, इसी के साथ में आप लोगों को ये बता रहा है कि जो लोकपाल है वो रेस्पॉन्सिबल है सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर इस टर्म का अपोजिट, इस टर्म का जो सिमिलर है वो क्या है ये आप लोगों को बता रहे हैं। इसी के साथ में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साथ में ये पांच कंट्री है ऑस्ट्रेलिया चाइना जापान कोरिया और न्यूजीलैंड, और कौन सा एक ग्रुप है जिसके साथ में मिलकर नेगोशिएशन की बात की गई थी। आम आदमी पार्टी कब बनाई गई थी, श्रीलंका इंडिया और कौन सी कंट्री है जो मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। नाक जो है बिल्कुल बंद हो गया वाकई, ठीक है। 13th अमेंडमेंट जो है मुंह से ही सांस ले रहा हूँ मुंह से ही बोल रहा हूँ। 13th अमेंडमेंट जो है किस कंट्री में है जो काफी ज्यादा न्यूज में था, 13th ए 13th अमेंडमेंट एक यूएसए का भी है, तो यहाँ पर 13th ए की बात की जा रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे कावेरी डेल्टा रीजन के बारे में, जिसको स्पेशलाइज जोन बनाया गया और स्वामीनाथन जी के द्वारा बोला गया था कि ऐसा होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया 1,35,000 हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल इनकम की बात की गई थी। इसी के साथ में इंडियन जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो POW यानी कि पॉलिटिक्स ऑयल और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में काम करती है। 2014 से लेकर 2019 में वर्ल्ड की इकोनॉमी सबसे ज्यादा अच्छी रही। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम या फिर आयुष्मान भारत सारे एक ही के नाम है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। आज आप लोगों की सारी जो PDF है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप लोगों को टेलीग्राम पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। 1,00,000 से ज्यादा फैमिली मेंबर यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।